हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाईटेक बिल सॉफ्ट। मेरा नाम संजय और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में आइटम का बैच नंबर, आइटम की एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट को कैसे ऐड कर सकते हैं और इसे इनवॉइस में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली बहुत ही आसान है इसे हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में ऐड करना और इसके आधार पर बनने वाली रिपोर्ट्स को, जैसे कि नियर एक्सपायरी, वो आइटम कब एक्सपायर होने वाला है, जो आइटम एक्सपायर्ड हो गए उसकी रिपोर्ट्स और अवेलेबल बैच नंबर वाइज इन्वेंट्री को भी ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें ऐसे आइटम सेल किए जाते हैं जो बैच, जिसमें बैच नंबर होती है, एक्सपायरी होती है और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है, तो इनके ऐसे कुछ बिजनेसों के नाम लेना चाहूंगा। जैसे कि फार्मेसी का बिजनेस होता है जिसमें बैच नंबर और एक्सपायरी होती है। मेरे पास एक यहाँ पे कुछ सैंपल आइटम्स रखे हैं जिनकी मैं एंट्री हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में करूंगा और आपको बताऊंगा कि बैच नंबर और एक्सपायरी को कैसे हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो एक आइटम है मेरे पास, आप देख पाएंगे कि इसमें बैच नंबर दिया हुआ है। इस बैच नंबर की हम एंट्री हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे? बहुत सारे बिजनेस है, जैसे फार्मेसी के बिजनेस होते हैं, फर्टिलाइजर बिजनेस हो गए, पेस्टिसाइड बिजनेस हो गए एंड फूड आइटम जो सेल करते हैं वो हो गए कॉस्मेटिक। इन आइटमों को हम अगर सेल करते हैं अपने कस्टमर को तो इसके हमें बैच नंबर और एक्सपायरी मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सपायरी आइटम सेल कर देते हो, एक्सपायरी आइटम हालांकि सेल नहीं करना चाहिए, अगर एक्सपायरी आइटम अगर आपने सेल कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। एक्सपायरी आइटम सेल करना कानूनी अपराध है। इन सब नुकसान से बचने के लिए आप हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में बैच नंबर और एक्सपायरी को आसानी से मैनेज करके इन्वेंट्री को फुली मैनेज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि बैच नंबर और एक्सपायरी को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे, देन इसके बाद हम सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन दिखता है जनरल, जनरल पे क्लिक करेंगे। जनरल में क्लिक करने के बाद बॉटम में आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, इन्वेंटोरी आइडेंटिफायर। इन्वेंटोरी आइडेंटिफायर में ड्रॉप डाउन में आपको बैच नंबर को सेलेक्ट कर लेना है सिंपली, देन उसके बाद में बैच एक्सपायरी डेट में आपको इस ऑप्शन को अनेबल कर लेना। इतना होने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन बिलिंग पे क्लिक करना है। बिलिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में बॉटम में दो ऑप्शन दिखाई देते, सेल, सेम, बैच नंबर। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते, तीनों का अलग अलग काम होता है। ड्रॉप डाउन में पहला ऑप्शन अगर आप नथिंग सेलेक्ट करते हैं, नथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। जब भी आप सेम बैच नंबर का आइटम सेल करेंगे तो आपको नथिंग, कोई भी मैसेज, कोई भी अलर्ट नहीं आएगा। अगर आप वार्निंग सेलेक्ट करते हैं तो सेम बैच नंबर का आइटम अगर आप सेल करते हैं तो आपको वार्निंग बताएगा कि दिस आइटम ऑलरेडी सोल्ड, डू यू कंटिन्यू, यस ऑर नो। तीसरा ऑप्शन आता है स्टॉप। अगर इस आइटम ड्रॉप डाउन में तीसरा ऑप्शन स्टॉप को अगर सेलेक्ट कर देते हैं तो सेम बैच नंबर का आइटम आपको इनवॉइस में ऐड भी नहीं होने देगा और सेल भी नहीं होने देगा। इस तरीके से अवेलेबल बैच नंबर को भी आप अनेबल कर सकते हैं। अवेलेबल बैच नंबर से क्या होता है, जब भी आप इनवॉइस बनाएंगे और इनवॉइस में आइटम को सर्च करेंगे तो उस आइटम से रिलेटेड जितने भी बैच नंबर होंगे वो आपको स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे। इसके बाद बैच नंबर टेक्स्ट बॉक्स को भी आप ऑन कर सकते हैं। ये आपके इनवॉइस में रेफरेंस के लिए दिखाई देता है कि कौन से आइटम का क्या बैच नंबर है और कब एक्सपायरी होने वाला है। इस तरीके से आप सेटिंग्स को ऑफ कर सेटिंग्स का इस तरीके से आप सेटिंग्स को सेट करने के बाद वन क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास कुछ आइटम्स हैं जिसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास्टर में जाके ऐड प्रोडक्ट में ऐड करेंगे। मास्टर में जाके प्रोडक्ट में ऐड करने के लिए मास्टर में क्लिक करना है, ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करना है। ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करने के लिए सबसे पहले आप ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, ये प्रोडक्ट किस ब्रांड का है। यहाँ पे आपका आइटम का नेम, प्रोडक्ट का नेम, जैसे हमारे पास दिया हुआ अप्राइस D3, ये प्रोडक्ट है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे प्राइस डिटेल डाल देंगे, परचेस प्राइस 100 रुपीज, सेल्स प्राइस 200 रुपीज और यूनिट हमारी होगी, ये नंबर्स में यूनिट्स है। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है तो इसकी भी एंट्री कर सकते हैं, अगर नहीं है आपके पास ओपनिंग स्टॉक तो आप इसको आप यहाँ पे जीरो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक क्या कर देते हैं, जीरो ऐड कर देते हैं। और इसमें लगने वाला जीएसटी रेट भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसमें रेट लगता है जीएसटी रेट, मैंने सीजीएसटी आईजीएसटी ऐड कर दिया। यानी आपको डिस्काउंट देना है, लो लेवल लिमिट सेट करना है कि ये आइटम कौन से रैक में रखा हुआ है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर सेम बैच नंबर, सेम आइटम का सिंगल बैच नंबर है तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अगर सेम डिफरेंट बैच नंबर है और एक्सपायरी है तो आप इसको स्टॉक एडजस्टमेंट में जाके या परचेज बिल से भी ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रिंट डिस्क्रिप्शन को ऑन कर लेंगे, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रिंट डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको बैच नंबर को प्रिंट करना है तो प्रिंट बैच नंबर को ऑन कर लेंगे। देन इसके बाद प्रिंट एक्सपायरी डेट को भी हम अनेबल कर लेंगे। अगर आपको इनवॉइस में प्रिंट एक्सपायरी डेट को प्रिंट करना है तो आप इसे भी ऑन कर लेंगे। देन इसके बाद अनेबल ट्रैकिंग,
अनेबल ट्रैकिंग ऑन करने से हर एक आइटम को आप ट्रैक कर सकते हो, कब सेल हुआ, कब बेचा, कब उसको बेचा है, कब सेल किया हुआ है हमने, देन इसके बाद हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें क्या करेंगे, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अगर पहले से रखा हुआ तो हम परचेस में जाएंगे एंड ऐड स्टॉक एडजस्टमेंट में जाके हम इस स्टॉक को ऐड करेंगे। तो हम टेकअप करेंगे स्टॉक, स्टॉक का नाम था अप्राइज D3 और हमारे पास ये स्टॉक है 10 क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक। देन इसके बाद हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे आपको बैच नंबर का ऑप्शन दिखेगा। बैच नंबर में हम इसके MRP डाल सकते हैं, देन सेल प्राइस डाल सकते हैं 250 रुपीज और मिनिमम सेल प्राइस भी डाल सकते हैं इसमें आप, और बैच नंबर इसका डाल देते हैं। इसका बैच नंबर है A2154 और इसकी एक्सपायरी भी सेट कर देते हैं। क्वांटिटी हमारे पास 10 है और इसकी एक्सपायरी हम सेट कर देते हैं, कल की एक्सपायरी सेट कर देते हैं। इसी तरीके से अगर इसमें मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग डेट है तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसे सेव कर देंगे। अगर आपने कोई आइटम परचेज किया हुआ तो आप परचेज बिल से भी इसकी एंट्री करते हैं। तो हमें परचेज बिल से भी हम एक आइटम की एंट्री करते हैं। परचेज बिल में जाना है, एड परचेज बिल पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको सप्लायर सेलेक्ट कर लेना है। आइटम हम यहाँ पे ऐड करते हैं, सपोज हम एक आइटम ऐड करते हैं यहाँ पे 10 सेटअप। सपोज एक आइटम हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, 10 सेटअप ऐड करते हैं और ये क्वांटिटी हमारे पास रखी है 2 और इसको हम ऐड कर देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे आपको सेकेंड ऑफ इतना बैच नंबर और इस आइटम का हम बैच नंबर भी ऐड कर देते हैं। बैच नंबर इसका डालते हैं B321 एंड यहाँ पे हम उसका एक्सपायरी भी सेट कर देते हैं। क्वांटिटी हमारे पास 2 है और एक्सपायरी डेट इसकी हम सेट कर देते हैं 10th of September सेट एक्सपायरी डेट। यहाँ इस तरीके से हम इसको बिल्कुल सेव कर देंगे। इस तरीके से आप स्टॉक की एंट्री तो आपने चढ़ा दिया, अब करेंगे हम इस आइटम को सेल। सेल करने के लिए आप यहाँ पे न्यू इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। न्यू इनवॉइस पे क्लिक करने के लिए आपको हेडर पर कस्टमर का नेम, उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस ये टाइप कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स के नीचे में बैच नंबर का बॉक्स दिखता है। बैच नंबर के बॉक्स में सिंपली अगर आपको बैच नंबर पता है आइटम का, बैच नंबर अगर आइटम देख के भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बैच नंबर नहीं पता तो आइटम नेम में आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आइटम रखा हुआ 10 सेटअप नाम का, हमने आइटम सर्च किया और उससे रिलेटेड जितने भी बैच नंबर आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने में दिखाई देने लगे। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। बैच नंबर आ गया फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में एक्सपायरी डेट आ गया कि कब ये आइटम एक्सपायर होने वाला है, सेल प्राइस आ गया मिनिमम सेल प्राइस MRP और ये अवेलेबल स्टॉक भी आ गया और कितने दिन बाद ये आइटम एक्सपायर होने वाला है, 10 डेज लेफ्ट, ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इस तरीके से मैं एक आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, 10 सेटअप करके क्वांटिटी 1 हो गई, सेल प्राइस हो गया और यहाँ बैच नंबर बॉक्स में इसका बैच नंबर दिखा रहा और ये कब एक्सपायर होने वाला है, 7th September 2023 को। इस तरीके से हम इसे ऐड कर लेंगे और सेव एंड प्रिंट करेंगे। सेव एंड प्रिंट जैसे ही करेंगे तो ये आपको इनवॉइस में प्रिंट होकर दिखाई देगा। तो मैं इसे जूम करता हूँ, जूम करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपके इनवॉइस में दिखाई। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये बैच नंबर आ गया, एक्सपायरी डेट आ गया और ये आपका बैच नंबर के साथ में एक्सपायरी डेट आ गया। इस तरीके से आप इसे A4 में भी निकाल सकते हैं और A5 में भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको A4 में भी बता दिया और ये आपका A5 में आ गया। बहुत ही अच्छे तरीके से आप A4 में A5 में निकाल सकते हैं। अब मैं इसका प्रिंट आउट निकाल के आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा कि जनरली ये प्रिंट में कैसा दिखाई देता है। तो मैंने इसे प्रिंट कमांड दे दिया इस प्रोडक्ट की, लेट्स सी अभी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकला हुआ है। ये मेरे हाथ में बिल है और बिल में आप देख सकते हैं कि आप नीचे में आपको ऊपर में आपको कंपनी का नाम आ गया, कस्टमर का नेम आ गया और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आया। प्रोडक्ट के नेम में आपको दिखाई दे रहा है बैच नंबर, आइटम का नेम, बैच नंबर और एक्सपायरी। ये इस तरीके से हमने एक इनवॉइस तो बना लिया और अब बात आती है कि हम रिपोर्ट में जो आइटम एक्सपायर होने वाले उसे कैसे देखें, जो आइटम एक्सपायर्ड हो गए हैं उसे कैसे देखें, अवेलेबल बैच नंबर वाइज इन्वेंट्री को कैसे देखें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में अगर टोटल इन्वेंटरी आपको देखना है, टोटल स्टॉक देखना है तो आपको रिपोर्ट्स में जाना है, इन्वेंटरी में जाना है, स्टॉक एबिलिटी में जाके आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा कितना स्टॉक है। अगर आपको देखना है कि आपके पास कौन सा आइटम एक्सपायर होने वाले हैं, रिपोर्ट्स में जाना है, इन्वेंट्री पे जाके आपको देखना है
नियर एक्सपायरी आइटम। नियर एक्सपायरी आइटम में क्या होंगे, जो आइटम आपके एक्सपायर होने वाले हैं एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, चार दिन बाद, उनकी पूरी रिपोर्ट्स आपके सामने आएंगी। इस बेस में आप क्या करेंगे, जो आइटम एक्सपायर होने वाले हैं उनको जल्दी सेल कर पाएंगे। और नीचे में यहाँ पे हम डेज का फिल्टर भी लगा सकते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज में कौन से आइटम एक्सपायर्ड होने वाले हैं, नेक्स्ट 90 डेज में कौन से आइटम एक्सपायर्ड होने वाले हैं, और फिर इन आइटमों की आप क्या कर सकते हैं, एक्सपायर्ड आइटम की, नियर एक्सपायरी आइटम की आप रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, इसका पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और आपका मेल भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी आपका इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इवन आपका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी प्रिंट कमांड दिया कि रिपोर्ट प्रिंट आउट निकालेंगे तो कैसे दिखेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे आप, तो जो नियर एक्सपायरी आइटम है उसके आपको सप्लायर को रिटर्न करना है तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं और ये देख के, और आपको रैक में से निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपकी रिपोर्ट बन जाती है कि जो आइटम नियर एक्सपायरी होने वाले 30 डेज में 90 डेज में उनकी आप रिपोर्ट भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये तो हो गया जो नियर एक्सपायरी होने वाली हो आइटम की, जो आइटम एक्सपायर हो गए उनको हमें निकालना है, उनको हमें देखना है, तो हम यहाँ से रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे इन्वेंटरी में जाएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपायर्ड आइटम, जो आइटम एक्सपायर्ड हो गए हैं वो देख सकते हैं कि आइटम का यहाँ पे नाम दिखेगा, बैच नंबर दिखेगा, देन यहाँ पे जो आइटम जैसे कि ये मेरे पास रखा हुआ है एक आइटम कैम रिमोट, एक्सपायरी डेट आज की है, अवेलेबल स्टॉक 10 है। तो इस तरीके से आप जो आइटम एक्सपायर्ड हो गए उनकी भी रिपोर्ट देख सकते हैं आईटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और अब देखेंगे कि बैच नंबर वाइज हमारे पास कौन से आइटम स्टॉक में अवेलेबल है। रिपोर्ट्स में क्लिक करेंगे, इन्वेंटरी में क्लिक करेंगे, अवेलेबल बैचेस नंबर को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो बैच नंबर वाइज रिपोर्ट है कि बैच नंबर वाइज हमारे पास कौन से स्टॉक अवेलेबल है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बैच नंबर वाइज हमारे पास स्टॉक है, जैसे एक्ने स्टॉल है, इसका बैच नंबर ये है, एक्सपायरी डेट इसकी 18th of September है, अवेलेबल स्टॉक 1 है, और 11 दिन इसको बचे हुए एक्सपायर होने का। इस तरीके से आपको कोई आइटम सर्च करना है कीवर्ड के हिसाब से तो वो भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें डेंसिटा देखना है, डेंसिटा हमने टाइप किया, तो ये हमारे पास दो बैच नंबर है और दोनों बैच नंबर के अलग अलग आइटम हमारे पास स्टॉक है। इस तरीके से आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक प्रिंट का कमांड दिया है, जो आइटम एक्सपायर्ड हो गए हैं इसे भी आप देख सकते हैं। जो आइटम एक्सपायर्ड हो गए उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल के देख सकते हैं कि इस तरीके से ये प्रिंट आउट देखेंगे जो आइटम आपके एक्सपायर्ड हो गए हैं। तो इस तरीके से आपका जैसे कि बिजनेस फार्मेसी का होगा, फर्टिलाइजर का होगा, पेस्टिसाइड का होगा, तो आप बहुत ही आसानी से बैच नंबर और एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट को हाइटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप मैनेज कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया है कि बहुत मैक्सिमम चीज़ें इस कवर करने में, इस फीचर्स के बारे में हाइटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में, फिर भी कुछ चीज़ इसमें मिस हो जाता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि हाइटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स की कमी है, वो फीचर्स की कमी है। हम इसे अपकमिंग अपडेट में लाने का बहुत ट्राई करेंगे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों भाइयों के साथ में शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।